खुबो उड नॉट लेट मी बी इनविजिबल एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में शिराई सिकुन का भाई सेइटा टीवी में एक शो को देखकर उसी की तरह ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। फिर 2 घंटे बाद भी वो ट्रांसफॉर्म किए जा रहा होता है। शिराई सिकुन सेइटा को देखकर बोलता है, ये एक चीज करके थकता नहीं है क्या? पीछे से उसकी मॉम बोलती है, शिराई सिकुन तुम जब छोटे थे तब भी तुम यही करते थे। और शिराई सिकुन अपने मन में बोलता है, मैंने ये शो इतनी बार देख लिया है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन सीन बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया है। और तभी शिराई सिकुन की मॉम पीछे से शिराई सिकुन को बोलती है, अगर तुम सेइटा को बाहर खेलने के लिए लेकर जाओगे तो मैं रात में डिनर में तुम्हारे लिए फेवरेट तुम्हारा हैमबर्गर बनाऊंगी। देन अगले सीन में शिराई सिकुन उसके भाई को बाहर लेकर आता है और उसका भाई सेइटा अभी भी वही ट्रांसफॉर्म किए जा रहा होता है। लेकिन शिराई सिकुन नोटिस करता है कि उसके भाई के ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा कमी रह गई है, जिसके वजह से शिराई सिकुन आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं। और फिर वो सेइटा को बोलता है, मेरी तरफ देखो। फिर वो खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन करने लगता है और ये देखने के बाद सेइटा उसका भाई का फैन हो जाता है और बोलता है, भाई आप तो बहुत ही ज्यादा कूल हो। और वो शिराई सिकुन को ये सीन करने के लिए फिर से बोलता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन करने लगता है और ये सब कुछ कुबोसन पीछे से रिकॉर्ड कर रही होती है। और जब ये शिराई सिकुन देख लेता है तो वो शर्म के मारे पानी हो जाता है। फिर कुबो और सेइटा एक साथ शिराई सिकुन को बोलते हैं, फिर से हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन देखना है। फिर अगले सीन में शिराई सिकुन अपने क्लास में होता है और वो गलती से अपने पैर में एक छोटा और एक बड़ा सॉक्स पहन लिया होता है, लेकिन फिर भी ये शिराई सिकुन है जिसकी वजह से इसको कोई भी नोटिस नहीं करता। फिर शिराई सिकुन देखता है कि कुबोसन कुछ लड़कियों के साथ बात कर रही होती है और वो अपने मन में बोलती है, कुबोसन आज थोड़ी ऑफ लग रही है। इसके बाद कुबो शिराई सिकुन के पास चली जाती है और वो बोलती है, तुम अभी मुझे देख रहे थे है ना? शिराई सिकुन बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं। और फिर क्लास के दौरान भी शिराई सिकुन अपने मन में बोलता है, कुबो को आज क्या हुआ है? कुबो का मूड काफी ज्यादा ऑफ लग रहा है। और शिराई सिकुन ये सोचते सोचते स्कूल भी खत्म हो जाता है। और फिर इनके टीचर कुबोसन को एक पोस्टर लगाने के लिए बोलते है और कुबोसन इसके मदद के लिए शिराई सिकुन को बुलाती है। फिर जो कुबोसन है वो उस पोस्टर को ठीक जगह नहीं लगा पाती क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। फिर शिराई सिकुन वो करने जाता है और वो बोलता है, अगर मैं अपने टोस पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये कर पाऊंगा। लेकिन तब वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कुबोसन को मेरे सॉक्स दिख जाएंगे, जिसके वजह से वो एक चेयर लेकर देता है और कुबोसन को बोलती है, तुम ही ये कर लो। फिर जो कुबोसन है वो बोलती है कि तुम टेंशन मत करो। और फिर वो बैठकर शिराई सिकुन के पैंट को ऊपर करती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे सॉक्स के बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद जो कुबोसन है वो खुद ही चेयर पर उठकर वो पोस्टर लगाने लगती है। और वही दूसरी तरफ शिराई सिकुन अभी भी सोचा जा रहा होता है कि मुझे कुबोसन में कुछ तो अलग लग रहा है। और फिर शिराई सिकुन बोलता है कि हाँ लेगिंग्स। और एक कुबोसन सुन लेती है जिसके वजह से वो थोड़ा सा शर्माने लगती है और वो शिराई सिकुन को बोलती है, तो तुमने आखिरकार नोटिस कर लिया? हाँ मैंने आज टाइट्स पहने हैं। एक्चुअली मैं आज मेरा सॉक्स नहीं सूख रहा था जिसके वजह से मुझे ये पहनना पड़ा। और तुम मेरे लेग्स देख रहे थे? तुम तो परवर्ट हो। इस पे शिराई सिकुन बोलता है कि मैं तुम्हारे लेग्स को नहीं देख रहा था, मुझे तो सिर्फ लगा कि आज तुम कुछ अलग लग रही हो। इसमें कुबोसन बोलती है कि इसका मतलब तुम मुझे नोटिस तो कर रहे थे। और इसके बाद जो शिराई सिकुन है वो घबराने से लगता है। और तभी जो कुबोसन बोलती है कि चलो बाकी के पोस्टर लगा लेते हैं। और वो पोस्टर लगाते हुए शिराई सिकुन से बोलती है, कन्वीनियंस स्टोर में एक न्यू सेल्फ सर्व ड्रिंक आया है, क्या तुमने उसको टेस्ट किया है? इस पर शिराई सिकुन बोलता है कि हाँ मैंने वो ट्राई कर लिया है। और ये सुनने के बाद कुबोसन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो खुश भी हो जाती है। और वो शिराई सिकुन को बोलती है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक साथ ट्राई करेंगे। और ये बोलते हुए वो शिराई सिकुन के काफी ज्यादा पास चली जाती है, जिसकी वजह से शिराई सिकुन फिर से पीछे चला जाता है। और शिराई सिकुन बोलता है, हाँ हम लोग साथ चल सकते हैं। देन अगले सीन में ये दोनों कन्वीनियंस स्टोर में पहुंच जाते हैं और कन्वीनियंस स्टोर में कुबोसन डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि उसको कौन सा ड्रिंक लेना है। लेकिन वो शिराई सिकुन को बोलती है, हम दोनों अलग अलग ड्रिंक लेते हैं, फिर हम लोग शेयर कर लेंगे। इसमें शिराई सिकुन बोलता है, नहीं मुझे ड्रिंक नहीं लेना, मैं एक बन लूंगा। इसके बाद कुबोसन शिराई सिकुन को बोलती है, तुम मेरे साथ काउंटर में चलो। इसके बाद वो दोनों काउंटर में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो आदमी बोलता है, तो आप कौन सा साइज लेंगी? वही कुबोसन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो शिराई सिकुन की तरफ देखती है। और शिराई सिकुन कुबोसन को रेगुलर वाला कप लेने के लिए बोलता है और कुबो एक रेगुलर कप और शिराई सिकुन के लिए एक मीट बन लेती है। देन अगले सीन में ये लोग कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकल जाते हैं और जाते हुए कुबोसन उस ड्रिंक को काफी ज्यादा एंजॉय करती है। और उसको एंजॉय करते हुए देखकर शिराई सिकुन अपने मन में बोलता है, तो ये ड्रिंक इसने कभी भी नहीं पी थी। लेकिन इसे देखकर लगता है कि ये सब कुछ कर सकती है। कुबोसन तभी शिराई सिकुन को बोलती है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक को शेयर करना चाहोगे? शिराई सिकुन अपने मन में बोलता है, अब मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगा। और फिर वो कुबोसन को बोलती है, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। इसमें कुबोसन बोलती है कि तो फिर मुझे तुम्हारा मीट बन ट्राई करने दो। इसके बाद शिराई सिकुन अपने मन में बोलता है, मैं इसको मीट बन हाथ से तोड़ कर दे दूंगा। लेकिन तभी कुबोसन उसके हाथ से वो छीन कर खुद खा लेती है और बोलती है कि मीट बन काफी ज्यादा अच्छा था, ये मुझे अच्छा ही लगा।
का और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब जो शिराई सिकुन है वो उस मीट बन को देख ही रहा होता है, तब दो औरतें आकर उसको टक्कर मार के वो बन नीचे गिरा देते है। वो लोग शिराई सिकुन को नोटिस ही नहीं कर पा रहे होते है। अब अगले सीन में वैलेंटाइन डे का समय होता है और शिराई सिकुन अपने स्कूल आया होता है और उसके लिए ये वैलेंटाइन डे बाकी दिनों की तरह नॉर्मली होता है। फिर वो अपने डेस्क में जाकर सोचता है, जब मैं छोटा था तब स्कूल में टीचर मेरे अलावा सभी को चॉकलेट दिया था। और ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो अपने डेस्क में एक चॉकलेट देखता है और शिराई सिकुन उस चॉकलेट को देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, एक इसकी चॉकलेट है, शायद यहाँ पर किसी ने रख कर भूल गया होगा। फिर वो बोलता है, मैं तो सिर्फ एक ही पर्सन से बात करता हूँ, वो तो है कुबोसन। और ये बोलने के बाद ही वो अपने डेस्क पर सर मारने लगता है और तभी कुबोसन आ जाती है और बोलती है, तुम्हारा सर तो लाल हो चुका है। और शिराई सिकुन कुबोसन को देखकर डर जाता है और पीछे हट जाता है और बोलता है, ये यहाँ पर कब से है। और फिर वो कुबोसन के पास आता है और अपने मन में बोलता है, मैं इसे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, क्या ये चॉकलेट तुम लाई। और फिर वो कुबोसन को ही देखे जा रहा होता है। फिर वो बोलता है, आज का वेदर काफी ज्यादा अच्छा है ना। कुबोसन बोलती है कि हाँ, आज का वेदर काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर शिराई सिकुन अपने मन में बोलता है, वैसे भी मुझे तो कोई चॉकलेट नहीं देगा, शायद किसी ने मेरे डेस्क पर चॉकलेट रख कर भूल गया होगा, अभी के लिए इस चॉकलेट को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर कुबोसन आ जाती है और वो शिराई सिकुन से बोलती है, आज वैलेंटाइन डे है ना, तुम्हें पहले कभी किसी ने चॉकलेट दिया है। शिराई सिकुन बोलता है कि नहीं। ये सुनने के बाद कुबोसन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, शायद तुम्हारे डेस्क पर किसी ने चॉकलेट रखा है। शिराई सिकुन बोलता है, तुमको इसके बारे में कुछ पता है। कुबोसन बोलती है कि हाँ, मैंने इस चॉकलेट को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, तो इस चॉकलेट को अच्छी तरीके से एंजॉय करना, ये मैंने तुम्हारे लिए ही रखा है। और ये बोलने के बाद कुबोसन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुबोसन अपने घर पर होती है और वो काफी ज्यादा सामान शॉपिंग करके लाई होती है और वो बोलती है, आज मैं स्वीट्स बनाने वाली हूँ क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है। और ये सुनने के बाद कुबोसन की बहन बोलती है, क्या तुम बनाने वाली हो? वही लड़की जो कि हर साल चॉकलेट खरीद कर फिर बैग में डालती है, वही लड़की जो कि पैनकेक जला देती है, और वही लड़की जिसको कैबेज और लेटस में फर्क नहीं पता, क्या वो आज खुद से स्वीट्स बनाने वाली है? ये सुनने के बाद कुबोसन बोलती है, तुम अपना मुंह बंद करोगे। इसके बाद कुबोसन कुकीज बनाने लगती है, लेकिन वो कुकीज थोड़ी सी जल जाती है। फिर वो दोनों बहने उस कुकीज को टेस्ट करते है, लेकिन उस कुकीज का टेस्ट एकदम ही घटिया होता है। इसके बाद कुबोसन की बहन अकीना बोलती है, कुबोसन मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम एक कुकीज किसी को मत दो, तुम हर साल की तरह इस साल भी चॉकलेट खरीद कर दो। इसमें कुबोसन बोलती है कि नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगी। ये सुनने के बाद अकीना बोलती है, क्या कोई है जिससे तुम अपने हाथ से बना हुआ चॉकलेट देना चाहते हो? कुबोसन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो चॉकलेट सिर्फ अपने फ्रेंड्स को दूंगी। अकीना अपने मन में बोलती है, इसको समझना काफी ज्यादा आसान है। इसके बाद अकीना बोलती है, मैं भी कुछ कुकीज बना लेती हूँ। कुबोसन बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अकीना बोलती है, मैं एक खुद के लिए बना रही हूँ। फिर वो कुबोसन को बोलती है, तुम भी मुझे देखकर ट्राई करो। इसके बाद फाइनली ये दोनों कुकीज बना लेती है और अकीना की कुकीज काफी ज्यादा अच्छी होती है और वही दूसरी तरफ कुबोसन की कुकीज की शेप थोड़ी सी अजीब होती है। फिर अकीना कुबोसन की एक कुकीज उठाकर खा लेती है। कुबोसन बोलती है कि तुम मेरे कुकीज क्यों खा रहे हो? अकीना बोलती है, हालांकि हम दोनों ने एक साथ कुकीज बनाया है, लेकिन मेरे कुकीज से तुम्हारा कुकीज काफी ज्यादा टेस्टी है क्योंकि तुमने अपने कुकीज में काफी ज्यादा प्यार भी डाला है। कोई भी ऐसे कुकीज खाकर काफी ज्यादा खुश होगा। और ऐसे भी ये सभी अजीब शेप के नहीं है, मिडिल वाले को देखो, इसका शेप कितना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद कुबोसन अपने कमरे में कुकीज को रेडी कर लेती है वैलेंटाइन डे के लिए। फिर वो नीचे आकर अकीना को थैंक यू बोलती है। अकीना बोलती है, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करा, और अजीब सा मुंह बना लेती है और कुबोसन को चिराने लगती है। कुबोसन बोलती है, मुझे तुम्हारा यही नहीं पसंद, और अकीना बोलती है, मुझे तुम्हारा यही पसंद है। और वैसे भी एक कुकीज तुम किसे देने वाली हो? इसका जवाब कुबोसन कुछ भी नहीं देती। देन अगले सीन में शिराई सिकुन अपने कमरे में होता है और वो वही कुकीज को देखे जा रहा होता है और बोलता है, पता नहीं एक कुकीज मुझे किसने दिया। फिर वो उस कुकीज को खाने लगता है और बोलता है, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। और ठीक इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।